दिन समाचार में आपका स्वागत है। धमकी के बाद गुरमेहर कौर ने अभियान से खुद को अलग किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ अभियान शुरू करने वाले गुरमेहर कौर ने बलात्कार की धमकियां मिलने और पूरे मामले में विवाद बढ़ने के बाद कैंपेन से खुद को अलग कर लिया है। मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब इसमें राहुल गांधी, किरण रिजिजू, वेंकैया नायडू, वीरेंद्र सहवाग जैसी दिग्गज हस्तियां भी कूद पड़ी थी। गुरमेहर ने कहा कि उन्हें जो कहना था कह चुकी हैं। मैं कैंपेन से खुद को अलग कर रही हूं, सभी को बधाई। मैं अपील करती हूं कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। अपने अगले ट्वीट में उसने लिखा है कि मैं बहुत सी चीजों से गुजर चुकी हूं और 20 साल की उम्र में इतना ही कर सकती हूं। वहीं दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को ट्वीट कर बताया कि उसने शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और साथ ही गुरमेहर को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का इंतजाम भी किया है। दूसरी ओर रामजस कॉलेज मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को तिरंगा मार्च निकाला था। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वामदल समर्थक छात्र संगठनों ने एनएसयूआई के साथ मिलकर एबीवीपी के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। इसमें दोनों विश्वविद्यालयों के कुछ शिक्षक भी शामिल हुए। इसके अतिरिक्त मिरांडा हाउस की छात्राओं ने खालसा कॉलेज के बाहर एबीवीपी के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। छात्राओं का कहना था कि एबीवीपी की ज्यादतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। छात्रों के बीच बढ़ रहे तनाव को देखते हुए पूरे उत्तरी परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने वामपंथी नेताओं पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत चीन युद्ध के समय भी इन लोगों ने चीन का समर्थन किया था। ये लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। जब भी हमारे जवान शहीद होते हैं ये खुशियां मनाते हैं। रिजिजू ने विवाद से कांग्रेस को अलग रहने का आग्रह करते हुए कहा कि यह वास्तविक रूप से राष्ट्रवादियों और वाम अतिवादियों के बीच की वैचारिक लड़ाई है। रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि वंशवादी पार्टी कृपया इससे दूर रहे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। 1 जुलाई से लागू होगा जीएसटी, आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में डाउन सिंड्रोम से पीड़ित महिला को नहीं मिली गर्भपात की इजाजत। गुजरात दंगों में मारे गए पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने कहा एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा सबको घर देने को तेजी से काम करे निकाय। तालिबान ने की 12 अफगानी पुलिसकर्मियों की हत्या। तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।